लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर पिछले 7 महीने से लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते बंद था, मगर आज इसे आम भक्तों के लिए खोल दिया गया, जिसकी जानकारी लगते ही मंदिर के बाहर हजारों लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मगर प्रशासन के नियम अनुसार मंदिर के अंदर 5 लोगों को ही अनुमति दी जा रही थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइज सभी लोगों को अनिवार्य रहा। मगर मंदिर के बाहर जिस तरह से सकरी गलियां होने के कारण भक्तों की भीड़ अधिक थी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आई और हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कई महीने बाद जिस तरह से भगवान बांके बिहारी का मंदिर खोला गया, उसके लिए हर कोई भगवान बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिया। और इसी के चलते सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ नजर रही, मगर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य था। वहीं भगवान बांके बिहारी की एक झलक पाकर सभी भक्त अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे, क्योंकि कई महीने बाद आज उनको भगवान बांके बिहारी की एक झलक देखने को मिल रही थी, जिसके बारे में मंदिर के गोस्वामी द्वारा बताया गया कि आज मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ काफ़ी है और वह सभी यहाँ पर आकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और भगवान की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मगर उनका कहना था कि मंदिर आज 1.5 घंटे लेट खोला गया है, क्योंकि मैंने मेरे द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया। 6 महीना 20-21 दिन बाद दर्शन खुल रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या। भक्तों में अपार उत्साह है, बहुत दर्शन कर रहे हैं, भक्त बेचैन हैं अपने ठाकुर से मिलने को। उसमें तो भैया मुझे अंदर एंट्री नहीं दी, मैनेजर ने अपनी हट धर्मता दिखाई, मुझे अंदर अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो मैं ही जब लेट खुलूँगा तो दर्शन तो देवी से खुलेंगे, जब ठाकुर जी की सेवा पूजा मुझे कर। मैनेजर ने पहले बोला कि मुझे बताया नहीं, मैं 1 नंबर गेट पर आया था, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कह दिया अभी टाइम नहीं हुआ है, आप नहीं आइए। मैं 5:30 बजे करीब आया था, तो मैं गेट नंबर 4 पर बैठ गया। मेरा गेट नंबर 4 से हम लोग आते हैं, गेट नंबर 4 खोला ही नहीं इन लोगों ने, मैं क्या करूँ। मेरे पास भंडारी भी बैठा रहा, मैं भी बैठा रहा। किस तरह से आपको एंट्री मिली, किस तरह से आपने सेवा करी बाकी? फिर पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से एंट्री मिली मुझे, वो तो भलाओ यहाँ के चौकी इंचार्ज का, जिसने एंट्री कराई मुझे 4 नंबर गेट से एंट्री कराई। यानी प्रबंधक द्वारा लापरवाही बरतने को मिली आज? प्रबंधक घोर लापरवाही, और उसको तो जिस हिसाब से ये शासन प्रशासन जिसने भी ये सिक्योरिटी गार्ड दिया है वो निरी बदमाशी कर रहा है और बहुत ही व्यभिचारी है वो आदमी। श्रद्धालु पूछे दर्शन करके? अरे श्रद्धालुओं से पूछिए, देखिए क्या बेचारे भीड़ लगा रहे हैं और आराम से बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ मंदिर प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा, ये बहुत ही लथार्जिक आदमी है। हमारे एक गोसाई भाई को भी पहले ये फंसा चुका है, झूठा केस लगा दिया है इसने। भैया अब तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि इसी कोविड के साथ रहना है, तो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, अपनी सुरक्षा बरतनी है। बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं।